तो भगवान कृष्ण जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लौट के गया तब एक्सपेक्ट किया था कि लोग सरेंडर करेगा, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन वही दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कृष्ण ये गीता का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है, माम एकम शरणम ब्रज, तो सरेंडर, भगवान के पास सरेंडर करना, ये गीता का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है, इट इज द एसेंस ऑफ द भगवत गीता। लेकिन भगवान कृष्ण जब लौट के गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तब देख रहे हैं कि कोई सरेंडर कर ही नहीं रहा है, हम बोल के आया, भगवान सोच रहे हैं, कृष्ण सोच रहा है, हम बोल के आया भगवत गीता, लेकिन एक कलयुग आ गया है, कलयुग का आदमी सरेंडर ही नहीं कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, नो वन इज फॉलोइंग भगवत गीता। तो इसलिए भगवान देखा कि और कोई उपाय नहीं है, हमको चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेना ही पड़ेगा, अपना भक्त बन के जाना ही पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली चैतन्य कोई अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण का अवतार है राम, कृष्ण का अवतार है नृसिंहदेव, कृष्ण का अवतार है वामन देव, कृष्ण का अवतार है कल्कि देव, ये अवतार है, लेकिन कृष्ण का अवतार नहीं है चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण स्वयं है, कृष्ण इज अवतारी एंड और कृष्ण का अवतार जो है अवतार, लेकिन कृष्ण है अवतारी। सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी है, अवतार नहीं। तो कृष्ण सोचा, देखा कि कोई उपाय नहीं है, अपना ही भक्त बन के जाना पड़ेगा और लोगों को कृष्ण प्रेम बांटना पड़ेगा। कृष्ण प्रेम कौन बांट सकता है? कृष्ण स्वयं बांट सकता है कृष्ण प्रेम, ब्रज प्रेम। गोलोक वृंदावन में जो सब भक्त भगवान को इतना प्रेम करता है, गोलोक वृंदावन का गोपिया, हाँ गोलोक वृंदावन का काउहर्ड बॉयज, हाँ जो ग्वाल बाल है वो लोग, गोलोक वृंदावन के जितने भी माताएं हैं, हाँ एल्डरली गोपीज, दे लव कृष्णा एज देयर चाइल्ड, कृष्ण को अपना बेटा का रूप में प्रेम करता है, करती है। और इस तरीके से सभी ब्रजवासी, ऑल द काउज ऑफ गोलोक वृंदावन, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू लव कृष्णा। तो गोलोक वृंदावन से कृष्णा आया, चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का तो खुद का ही भक्त बन के आया। कलियुग में 500 साल पहले कृष्ण आया, 5000 साल पहले, और 4500 साल तक कृष्ण देख रहा है कोई सरेंडर नहीं किया, तो चैतन्य महाप्रभु का रूप में आके सिखा के गया कि कैसे भगवान के पास सरेंडर करना है। और गोलोक वृंदावन का जो प्रेम है, गोलोक वृंदावन में लौट के जाने का जो रास्ता है, हाँ गोलोक वृंदावन में एंट्री पाने का जो रास्ता है, वो देखे गया भगवान चैतन्य महाप्रभु। कृष्णा ही खुद, स्वयं कृष्णा ही सिर्फ कृष्ण प्रेम को वितरण कर सकता है, दूसरा कोई कृष्ण प्रेम को वितरण नहीं कर पाएगा। कृष्ण प्रेम क्या है? जैसे वृंदावन वासी, गोलोक वृंदावन वासी जैसे कृष्ण को प्रेम करता है, हाँ जिस तरीके से, वो है कृष्ण प्रेम। तो गोलोक वृंदावन का जो भक्त वृंद है, गोलोक वृंदावन का जो भगवान कृष्ण का जो एसोसिएट्स, जो पार्षद है, वो कृष्ण को भगवान का रूप में पूजा नहीं करता है, तो कृष्ण के साथ जो रिलेशनशिप है उस, वो उन लोग के लिए हाईएस्ट है। रिलेशनशिप जो यशोदा माँ और कृष्ण के बीच जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इज टॉप मोस्ट फॉर देम। यशोदा माँ जब देखा कृष्ण का, कृष्ण का मुख में जब पूरा यूनिवर्स देखा, पूरा ब्रह्मांड को देखा कृष्ण का मुख में, ब्रह्मांड घाट
और वृंदावन उसका बस्ती वहाँ पे लीला हुआ था ब्रह्मांड घाट में। तो जब माधव यशोदा माँ यशोदा जब देखा पूरा ब्रह्मांड में और उसमें देखा कि वो खुद को भी देखी, माँ यशोदा खुद को भी देख पाए, तो माँ यशोदा देख रहे हैं और ये पूरा ब्रह्मांड देख रही है और मूर्छित होगी माँ यशोदा, फेंट हो गई। लेकिन फिर से क्यों फेंट हो गई, पूरा देख के चौंक गए और देखिए कि ब्रह्मांड भगवान है, कृष्ण को भगवान का स्वरूप, उस स्वरूप में देखा सुप्रीम लॉर्ड, तो फेंट हो गई। लेकिन माँ यशोदा के लिए वो कोई मैटर नहीं किया, it did not matter फॉर मदर यशोदा। माँ यशोदा उनके लिए ये रिलेशनशिप कृष्ण के साथ जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप ऑफ मदर एंड सन, ये जो माँ और बेटा का जो रिलेशनशिप है यही टॉप मोस्ट है। तो वृंदावन में एक लीला हुआ था दामोदर लीला, आप लोग सब जानते हैं दामोदर लीला। तो माँ यशोदा कृष्ण को बांध दिया था, एक रस्सी से उकल से बांध दिया था, तो बहुत कष्ट से बांध पाई थी माँ यशोदा। तो फिर बलराम जी आया, बलराम जी आके माँ यशोदा को बोल रहा है कि अरे तुम क्या कर रही हो क्या कर रही हो, ये कृष्ण ये नरसिंहदेव अवतार में आया था सत्ययुग में, ये कृष्ण राम अवतार में आया था त्रेता युग में, मत्स्य अवतार में आया था, इनको तुम ऐसे कर रही हो क्या। तो माँ यशोदा बलराम जी को बोला कि अरे सभी अवतार का मेरा ही घर पे जन्म लेने का मतलब इच्छा हुआ था क्या, मेरा ही घर मिला सब अवतार को उतरने के लिए, तुम इधर से जाओ नहीं तो तुमको भी हम बांध देंगे। तो ऐसा है प्रेम जो गोलोक वृंदावन वासी का, वो अगर देख भी लेता है भगवान है कृष्ण, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भगवान है लेकिन कृष्ण जैसे ग्वाल बाल कृष्ण के पास सरेंडर होता था, कुछ भी प्रॉब्लम हो कृष्ण के पास सरेंडर हुआ, जो कावर्ड बॉयस जो ग्वाल बाल थे कृष्ण का, कोई डिमोन आया कोई राक्षस आया मारने के लिए तो कृष्ण के पास सरेंडर होता था, कृष्ण तुम बचाओ, कृष्ण इतना अटैच था कृष्ण के प्रति, देवर सो अटैच टू कृष्ण। तो ये गोलोक वृंदावन वासी ये लोग दे ओनली नो कृष्णा, कृष्ण के सिवा गोलोक वृंदावन वासी और कुछ नहीं जानता है। लेकिन गोलोक वृंदावन के जो कृष्ण के जो एसोसिएट्स है जो पार्षद है वो कृष्ण को भगवान का रूप में पूजा नहीं करता, वो कृष्ण को अगर देखता है कि भगवान है फिर भी उन लोगों के लिए उतना वो मैटर नहीं करता है, उन लोगों के लिए वो रिलेशनशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छा ठीक है भगवान है तो है, ठीक है कृष्ण भगवान है लेकिन उससे भी बड़ा बात क्या, उससे भी बड़ा बात है कृष्ण मेरा दोस्त है, उससे भी बड़ा बात है कृष्ण मेरा बेटा है, उससे भी बड़ा बात है कृष्ण इज माय लवर। इन दिस वे द रिलेशनशिप इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन गोलोक वृंदावन। तो इस तरीके से कृष्ण का जो लीला है, तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले जो आया वही पार्षद लोग आया कृष्ण के साथ, सभी पार्षद लोग आया जो गोलोक वृंदावन के पार्षद थे वो सभी पार्षद चैतन्य महाप्रभु का लीला में ही आया। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही केम 500 इयर्स बैक, और बलराम जी कौन सा रूप में आया, नित्यानंद का रूप में आया, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु का रूप में आया।
तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य इज कॉम्बाइंड इनकार्नेशन ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव। तो सदाशिव शिव जी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा रिसाइड्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो शिव जी और महाविष्णु, महाविष्णु कौन है? भगवान कृष्ण का इनकार्नेशन है महाविष्णु। महाविष्णु का रोमकूप से ही ये पूरा यूनिवर्स का जन्म होता है। जब महाविष्णु एक व्हेन ही एक्सेल्स, जब अपना जो ब्रीदिंग छोड़ता है महाविष्णु, तब समस्त यूनिवर्सेस, ऑल द यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड। और वो जब जो जब इंटेक करता है, जब व्हेन ही इनहेल्स, then all the universes are destroyed and it enters the body of all the living entities। जो भी जीवात्मा थे उस यूनिवर्स से, सभी यूनिवर्सेस में वो महाविष्णु का शरीर में एंटर हो जाता है। और फिर से जब एक्सेल करता है, जब अपना श्वास छोड़ता है, फिर तैयार होता है। इस तरीके से क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। इस तरीके से मेटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो महाविष्णु और सदाशिव शिव जी, इनका जॉइंट इनकार्नेशन, जॉइंटली ये दोनों व्यक्तित्व अद्वैत आचार्य के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु का लीला में पार्टिसिपेट किया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। गदाधर पंडित कौन थे? कृष्णा आया तो कृष्ण के साथ कृष्ण का कॉन्सर्ट, कृष्ण का इंटरनल पोटेंसी, श्रीमती राधा रानी, उनको तो आना है। कृष्णा अभी खुद का ही भक्त बन के आया है कलयुग में, तो उसको देखने के लिए राधा रानी को भी तो आना जरूरी है कि नहीं? तो राधा रानी आया गदाधर पंडित का। श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। शिवाश आदि, शिवाश, शिवाश ठाकुर कौन है? शिवाश ठाकुर नारद मुनि, नारद मुनि शिवाश ठाकुर का रूप में आया। और शिवाश ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के इतने बड़े भक्त थे, शिवाश ठाकुर के घर में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ दिन रात, रात में भी संकीर्तन करता था, रात में भी हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन शिवाश ठाकुर का घर पे चैतन्य महाप्रभु करता था। तो शिवाश ठाकुर और कोई नहीं, नारद मुनि का इंकार्नेशन, नारद मुनि शिवाश ठाकुर का रूप में है। तो ये पंचतत्व, द फाइव फीचर्स ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये पंचतत्व महामंत्र हम लोग इसलिए चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग का पहले, ताकि हम लोग भगवान का कृपा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा को हम लोग आह्वान कर सके, चैतन्य महाप्रभु का कृपा को, कृपा का भिक्षा हम लोग मांग सके। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही वही व्यक्ति है जो जो कि ये हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग सबको देखे गया। He inaugurated the chanting of the holy names of Krishna। ये युग धर्म, इस कलयुग का जो धर्म है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, तो ये चैंटिंग, ये हरे कृष्ण महामंत्र को इनॉगुरेट करके गया चैतन्य महाप्रभु। और शिला प्रभुपाद इस हरे कृष्ण महामंत्र को पूरा दुनिया में इसका विस्तार किया है, पूरा दुनिया का लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है शिला प्रभुपाद जी। तो इन लोगों की कृपा के बिना हम लोग हरे, हम लोग कृष्ण का, कृष्ण को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिना चैतन्य महाप्रभु के कृपा हम लोग कृष्ण को नहीं पाएंगे। तो टुडे आई वॉज प्लानिंग टू शेयर सम
वर्सेस फ्रॉम भगवत गीता, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। भगवत गीता 12.12 चैप्टर वर्स नंबर 6 and 7, दिस टू वर्सेस। सो आई विल रिसाइट दिस टू वर्सेस एंड ऑल ऑफ यू प्लीज रिसाइट आफ्टर मी बाय अनम्यूटिंग द ऑडियो। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि, मयि शन्यस्य मत्परा, मयि शन्यस्य मत्परा, अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन, मां धायन्त उपासते, मां धायन्त उपासते, उपासते, एषाम् अहम् समुद्धर्ता, एषाम् अहम् समुद्धर्ता, मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार सागरा, भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ, मुहि आवेशित चेतसाम, but those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Partha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Yes. So, Bhagwan bol raha hai ki jo mere ko puja karta hai, being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me. भगवत गीता में देखिए भगवान इसको फोकस कर रहा है, इस चीज को फोकस कर रहा है, मेरे को भगवान को पूजा करने के लिए बोल रहा है, भगवान को मेडिटेट करने के लिए बोल रहा है, भगवान को भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहा है और भगवान का चिंता करने के लिए बोल रहा है और भगवान का भक्ति में एंगेज होने के लिए बोल रहा है। तो बोलो वृंदावन वासी तो उन लोग को भगवान का रूप में पूजा करने का जरूरत नहीं है, उससे भी हायर स्टेज में भगवान को पूजा कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हम लोग तो गोलोक वृंदावन वासी नहीं है, हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड वासी है। और मेटेरियल वर्ल्ड वासी, मेटेरियल वर्ल्ड के रहने वाले आदमी सब व्यक्ति और हर टाइम भगवान को भूल के रहता है। देयर इज अ ओशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस एंड गोलोक वृंदावन वासी। We have to go a long, long way to become a residents of Golok Vrindavan. So, yeah, purport me. Chomosri, can you read the purport? First two stanzas. Prabhu, awkward situation aaj hai mein. Acha, okay, theek hai. Raghunath Prabhu, please read the first two purports, first two stanzas of the purport. It is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to Him. His duty is to render service to the Lord, and if he does not, then he will render service to Maya. As
stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve him. One should work only for Krishna. It does not matter in what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His wife's mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Such transcendental chanting attracts the devotee to the personality of Godhead. Thank you. तो यहाँ पे देखिए श्री प्रभुपाद जी बोल रहे कि हम लोगों को अपना काम छोड़ने का जरूरत नहीं है. हम लोग जिस पोजिशन में है उस ऑक्यूपेशन में रह के हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग में एंगेज होना पड़ेगा. भगवान का दिव्य नाम चैंटिंग करना पड़ेगा एवरी डे, और ये भगवान को अट्रैक्ट करता है. और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग भगवान का भगवान के लिए भगवान वो काम हम लोग कृष्ण के लिए कर सकते हैं. कैसे हम लोग कृष्ण के लिए करें वो काम, फॉर एग्जाम्पल one of the ways that Srila Prabhupada is telling how one can engage his work in Krishna service. For example, someone may be working in a company, koi company mein kaam kar raha hai. So uska result kya hai, what is the result, what is the fruit of those actions? The result is that he gets money from that work, right? And he can spend certain amount of money for the spreading of this Krishna consciousness movement. This is one example which Prabhupada gives many times in Bhagavad Gita. So someone may do a very hard work, so he can go and distribute books of Srila Prabhupada to others. Srila Prabhupada ka books distribute kar sakta hai, kisi ko de sakta hai. हाँ, किसी को ये समझा सकता है कृष्णा का जो फिलोसॉफी है ये चीज. और जो जो कोई भी स्थिति में है, कोई भी वो चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो काम कर रहा है ऑफिस में, चाहे वो मैरिड पर्सन हो, वट एवर इस पोजिशन इज, उसका पोजिशन जो भी है, उस पोजिशन में रह के अल्टीमेटली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट you should be chanting the Hare Krishna Mahamantra. So, ये preliminary चीज है. और इसके बाद अपना जो काम है, अपना work है, उसको भगवान का सेवा में लगा सकते हैं. तो जो student है, student लोग अपना अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके जो result मिलेगा, so that result you can offer to Krishna, that I am studying for Krishna. You can offer the fruits of those results to Krishna. Someone who is doing job, जो नौकरी कर रहा है, तो वो जो fruits मिल रहा है उसको, जो the money that he is getting, some portion of that money he can spend in so that the preaching of this Krishna consciousness movement can go on. तो कृष्ण महामृत मिशन का सेवा के लिए some amount of money he can spend. So for example, one example I can give. So just like in Shridham Mayapur, Shridham Mayapur mein duniya ka sabse bada mandir Vedic temple aa raha hai, temple of Vedic planetarium 2023 mein usko inaugurate hoga. Jab 2023 mein uska inauguration hoga to duniya bhar se log aayega udhar pe, 2023 ka inauguration time pe bhi aayega aur uske agle 10,000 saal tak aate rahega.
दुनिया भर का लोग अट्रैक्ट होगा नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल विल कम टू सी द टेंपल टू सी द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इन द टेंपल इट विल बी सच ए ब्यूटीफुल टेंपल इतना गॉर्जियस टेंपल होगा तो ये किस लिए प्रभुपाद जी ये बनाए टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम किस लिए बोल के गया ताकि दुनिया भर का लोगों को ये कृष्ण भावना में ये दिया जा सके इट इज फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड टू मेक दिस टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम सम 900 टू 1000 करोड़ रुपीज हैव बीन यू नो इज रिक्वायर्ड एंड मोस्ट ऑफ द एंड ऑल दिस मनी द डिवोटीज आर गिवन जो दुनिया भर के जो इस्कॉन के भक्त लोग हैं वो कंट्रीब्यूट किया है एक जन पूरा पैसा नहीं दिया है सबका कंट्रीब्यूशन से ये बन रहा है सबका कंट्रीब्यूशन से ये हुआ तो व्हेन वी गिव आवर मनी फॉर कृष्ण सर्विस तो उसके 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 लिए जो कर्मा है कर्म का बंधन से हम लोगों को छुटकारा मिलता है बिकॉज व्हेन वी टेक मनी फ्रॉम एनीवन तो उसके साथ कर्मा भी आता है उसका जो कर्म है वो ट्रांसफर होता है तो हम लोग उस मनी का सर्टेन पोर्शन अगर हम लोग भगवान का सेवा में देते हैं तो क्या होगा उस कर्म का बंधन से हम लोग छूट जाएंगे तो कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस हम तो हम सर्व पापे प्यो मोक्षाय स्वामी मा शुचर कृष्णा प्रॉमिसेस दैट यस प्रभु कैन यू रीड द नेक्स्ट स्टैंजा हरे कृष्ण प्रभु यस शांतन प्रभु क्वेश्चन छिलो क्वेश्चन एट द एंड आई विल टेक यस एट द एंड आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन यस मैंने लाइन छिलो लाइन का भूल गया ओके यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन The Supreme Lord herein promises that without delay he will deliver a pure devotee thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual self. And next verse also. Next sentence. Okay. In the Varaha Purana, this verse appears. Nayami paramam sthanam achir adi gatim vina garuda skandam aropya yatha chetam The purpose of this verse is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planet. The responsibility is taken by the Supreme Lord himself. He clearly states here that he himself becomes the deliverer. The child is completely cared for by his parents and thus his position is secured. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by his great mercy, comes at once riding on his world carrier Garuda and at once delivers the devotee from the material existence. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, then he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from the material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. In the Narayana, this is confirmed. Okay. So, yahan pe dekhiye. ये सेकेंड जो वर्स उस पेशाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा ये मेटेरियल वर्ल्ड को भगवत गीता क्या बोला है मृत्यु संसार सागरा पेशाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज लाइक एन ओशन मृत्यु संसार सागरा मृत्यु का ओशन
is the ocean of birth and death. So ye ocean of birth and death, इस ओशन से हम लोगों को निकालने के लिए किनका मर्सी चाहिए? भगवान का कृपा चाहिए, जो गरुड़ देव का पीठ में, जो गरुड़ देव का जो सीट्स ऑन द बैक ऑफ गरुड़ देव, लॉर्ड नारायण. तो भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, ही कैन सेव अस फ्रॉम दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ. कृष्णा के बिना और कोई हम लोग को इस मेटेरियल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकाल सकता है. सो नारायण इन द नारायणीय इट इज स्टेटेड यवै साधना संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये त्वया बिना तत् आप्नोति नरो नारायण श्रय. सो द पर्पस ऑफ दिस वर्ड्स इज दैट वन शुड नॉट एंगेज इन द डिवोशनल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी और कल्टिवेट नॉलेज बाय स्पेकुलेटिव प्रोसेस. One should be one who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits derived from other yogic processes, speculation, rituals, sacrifice, charities. So, बहुत सारे process है वेद में. Charity देना, sacrifices करना, यज्ञ करना, बहुत तरीके के यज्ञ हैं. अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बहुत तरीके का यज्ञ होता था. लेकिन सब यज्ञ दान तप इस सब का फल मिल जाएगा अगर कोई भगवान का भक्ति करता है. और भगवान का भक्ति सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन अप्रोच सुप्रीम डेस्टिनेशन इजिली एंड हैप्पीली. बट दिस डेस्टिनेशन कैन नॉट बी अप्रोच्ड बाय एनी अदर प्रोसेस ऑफ रिलीजियन. So this is the essence of all religion, chanting of the Hare Krishna Mahamantra. So wohi Chaitanya Mahaprabhu diya hai. And Nityanand Prabhu, jo Chaitanya Mahaprabhu, jo Balram ji Nityanand Prabhu ka roop mein aa raha hai, wo har ek ghar mein ja raha hai. Har ek ghar mein ja ke is tarike se ja raha hai, apna mukh mein ghaas leke. ग्रास घास घास और घास का सूखा हुआ घास अपना मुख में ले रहा है और सबका घर में जा रहा है और जाके क्या बोल रहा है, प्लीज चैंट हरे कृष्णा महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इसका मतलब क्या है, घास क्यों ले रहा है अपना मुख में? इट शोज ह्यूमिलिटी. लॉर्ड नित्यानंद प्रभु एक हम्बल पोजीशन ले रहा है, ह्यूमिलिटी का पोजीशन ले रहा है और ये दिखाने के लिए कि सबको कितना सबको ये चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग से ही सब कोई उद्धार पा सकते. तो बलराम जी जब द्वापर युग में आया था तो इतना हम्बल नहीं था नित्यानंद प्रभु के जैसे. हाँ, लेकिन वही नित्यानंद प्रभु, बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु का रूप में आया तो देखिए सबका घर में जा रहा है और हम्बली रिक्वेस्टिंग एवरीवन, दोनों रूप में मुख में घास लेके सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र. सो दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस. द मोर देयरफॉर श्रील प्रभुपाद हम लोग को ये 16 माला का ये हम लोग को स्टैंडर्ड देके गए, 16 राउंड्स, चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. सो वी मे नॉट, ऑल ऑफ अस मे नॉट बी इन द लेवल ऑफ चैंटिंग 16 राउंड्स, बट यू शुड ट्राई टू इंक्रीज ग्रेजुअली एंड कम टू द स्टैंडर्ड ऑफ 16 राउंड्स. सम ऑफ यू आर ऑलरेडी चैंटिंग 16 राउंड्स, दैट इज वेरी नाइस. बट सम ऑफ यू मे बी चैंटिंग 1 राउंड, सम ऑफ यू मे बी चैंटिंग 2 राउंड्स, some of you chanting 8 rounds, some of you chanting 12 rounds. So gradually we should try to increase our rounds and ultimately come to the standard of 16 rounds. So therefore Srila Prabhupada has given us this morning time. If we don't utilize this morning time properly, then it will be very difficult for us to chant these rounds.
Especially, it is very essential in our spiritual life to wake up early in the morning. So, then we'll get the atmosphere. वो एटमॉस्फेयर हम लोग को मिलेगा ताकि हम लोग भगवान का नाम अच्छे तरीके से ले पाए. सो चांतन प्रभु कैन यू रीड द लास्ट स्टैंजा द कंक्लूजन ऑफ द भगवत गीता दिस वन संस्कृत पोर्शन तो यस सो द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता इज स्टेटेड इन द 18th चैप्टर सर्व धर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी मा शुच. वन शुड गिव अप ऑल अदर प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सिंपली एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस दैट विल एनेबल वन टू रीच द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ. देर इज नो नीड फॉर वन टू कंसिडर द सिंफुल एक्शंस ऑफ हिज पास्ट लाइफ बिकॉज द सुप्रीम लॉर्ड फुल्ली टेक्स चार्ज ऑफ हिम. देयरफॉर वन शुड नॉट futilely try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the supreme omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. So, the highest perfection can be achieved simply by taking shelter of the simple process of Krishna consciousness. So we see another very nice verse from Bhagavad Gita. Please recite after me this verse. Very beautiful verse from Bhagavad Gita. Machitta madgata prana. Bodhayanta parasparam. कथयन्तश्च माम् नित्यम् दुष्यन्ति च रमन्ति च. Translation. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Can you read the first stanza also? The pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in transcendental loving service on the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. They are focused only on the transcendental subject. The symptoms of pure devotees described in this verse: devotees of the Supreme Lord are 24-hour daily engaged in glorified qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. तो भगवान का भक्त जो है भगवान का भक्त एक दूसरे के साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस का बारे में भगवान का क्वालिटीज का बारे में आलोचना करता है. भगवान का गुण रूप लीला ये सब का बारे में चर्चा करता है भगवान का प्योर डिवोटीज. तो हम लोग अगर भगवान का भक्तों का एसोसिएशन में भगवान का बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत ये पावरफुल प्रोसेस है जो हम लोग भगवान के प्रति अटैच्ड हो जाएंगे तब. और हम लोग जब भगवान के प्रति अटैच्ड होंगे कृष्ण के प्रति अटैच्ड होंगे तब हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड के अट्रैक्शन हम लोगों को और बाधा नहीं डालेगा. इन द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस दे रिलीज the transcendental pleasure from the service itself, and in the mature stage they are actually situated in love of God. So ye process se hum log bhagwan ka prem mein bhagwat prem mein hum log sthapit ho sakte hain. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of a living entity. To jab
जब कोई जो कोई लिविंग एंटिटी जब भगवान का भक्ति में आता है तो उसके हृदय में इट्स लाइक अ सोइंग ऑफ अ सीड, एक भक्ति का बीज उनका हार्ट में वो दिया जाता है। और उसको कैसे हम लोग ग्रो करते हैं, उस सीड को कैसे ग्रो करते हैं, बाय चैंटिंग एंड हियरिंग, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र एंड बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा, दैट सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट एंड देन दैट प्लांट ग्रोज एंड ग्रोज and it grows and ultimately that plant goes to Golok Vrindavan and that is when we develop love for Krishna. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe and out of them there are few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. This devotional service is just like a seed and if it is sown in the heart of a living entity and if he goes on hearing and chanting hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram 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 hare hare then that seed fructifies just as a seed of a tree fructifies with regular watering. So jaise ek beej ko agar pani nahi diya jayega to kya hoga, wo sukh jayega. Wo ek chhota sa beej hai, a small seed is there, उसको अगर पानी नहीं दिया जाएगा, चैंटिंग और चैंटिंग एंड हियरिंग इज द वाटरिंग. तो श्रवण और कीर्तन, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एंड हियरिंग अबाउट कृष्ण, ये दो चीज अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो भक्ति लता का बीज है, भक्ति लता का बीज वो सूख जाएगा. और भक्ति लता का सूख, भक्ति लता का बीज अगर सूख जाएगा तो हम लोग धीरे धीरे भक्ति से हम लोग टेस्ट चला जाएगा. सो इफ वन मिसेस चैंटिंग फॉर 7 days श्योरली ही इज गोइंग टू गो इन माया. सो नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम भागवत सेवा, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ दिन चैंटिंग किए बस, बहुत चैंटिंग कर लिए, बहुत भक्ति कर लिए, अभी छोड़ देते तो क्या होगा. जैसे प्लांट है उसको वाटरिंग करना अगर छोड़ दिया जाएगा सूख जाएगा. एनी प्लांट, छोटा सा प्लांट है, सम टाइम वी वाटर एंड देन आफ्टर 7 days वी डोंट वाटर दैट प्लांट, वो प्लांट मर जाएगा. एवरी डे वी हैव टू वाटर. सो चैंटिंग शुड बी एवरी डे. नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम, ऐसा नहीं है कि एक दिन 5 साल किया फिर 1 साल बंद कर दिया फिर 6 साल से शुरू किया, ऐसा नहीं. नित्यम, दिस इज नित्यम भागवत सेवाया. और चैंटिंग एंड हियरिंग, ये अगर मिस होगा तो भगवान वो भक्ति लता सूख जाएगा. और वो ये साइंस है एकदम पूरा, दिस इज लाइक ए कंप्लीट साइंस. और जब सूख जाएगा ऑटोमेटिक हम लोग का भक्ति में इंस्पिरेशन चला जाता है और चैंटिंग में तब मन नहीं लगेगा, माया में मन लग जाएगा तब. इसलिए रेगुलरली चैंटिंग एवरी डे एंड रेगुलरली हियरिंग अबाउट कृष्णा एवरी डे एंड एसोसिएटिंग विद डिवोटीज. We are taking this online association right now. This association of devotees relationship. We are reading from Srila Prabhupada's books. So this is associating with Srila Prabhupada. यहाँ पे एक तो line लिखा हुआ है. देखिए यहाँ पे एक तो line लिखा हुआ है. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them, there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. So ye itna aasan nahi hai. Kaise? Innumerable living entities are there. Bahut sara log, aap dekhiye bahar jaiye, bahut sara log, kitna sara youth hai Kolkata mein, sochiye kitna sara youth hai. Total Kolkata ka population agar 2 crore hoga, the youth is like, you know, 60-70 lakh youths will be there. 70 से 80 लाख यूथ होगा. तो उस अमंग 80 लाख यूथ, हाउ मेनी यूथ आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस नाउ हियर, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, यू नो 9-10 ऑफ यू आर देयर, देन हाउ मेनी आर आउटसाइड, यू नो दोस्त, कोई दारू पी रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है इधर उधर. हाँ, तो ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है. So out of many, many thousands of people, someone gets the chance. Few are fortunate enough to meet a pure devotee.
हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जैसे प्योर डिवोटी से हम लोग मुलाकात हुआ. कैसे मुलाकात हुआ? श्रील प्रभुपाद तो चले गए 1977 में चले गए, तो कैसे मुलाकात हुआ? श्रील प्रभुपाद इज लिविंग थ्रू हिज बुक्स. श्रील प्रभुपाद इज लिविंग थ्रू हिज इस्कॉन मूवमेंट. श्रील प्रभुपाद इज लिविंग थ्रू हिज डिसाइपल्स. How they are dedicatedly serving Srila Prabhupada. That's I'd like to take example of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. He was given sannyas by Srila Prabhupada in the age of 22. 22 साल का उम्र में सन्यास दे दिया प्रभुपाद जी. So now it is 50 years, more than 50 years. More than 50 years he is sannyasi. And he has preached all over the world. And with lot of difficulty. It's not that he didn't get any difficulty in his life. In 1987, 80s, one time, one man, ek vyakti, ek ladka, एक लड़का उसका उनका गला में छुरा चला दिया, गला काट दिया था. तो somehow क्या हुआ कि बहुत बहुत लिटिल मार्जिन में और बहुत कम मार्जिन से जो मेन जो वेन होता है ना, मेन जो नाली होता है गला का, वो बच गया. उसमें वो अगर कट जाता तब डेथ हो जाता, बट फ्यू मिलीमीटर्स से वो बच गया. वो नाली नहीं काटा था तो बहुत खून निकलने लगा. और वो क्या किया, जो उत्तरी है, इतना पेन हो रहा था, उत्तरी से क्या किया, वो गला को वो मोड़ लिया, मतलब गले में वो डाल दिया उत्तरी से पूरा वो कपड़ा से गले को, वो इतना ब्लीडिंग ताकि कम हो पाए. इसलिए सोचिए इतना पेन के टाइम पे कैसे इतना बुद्धि आता है, ये तो हम लोग को नहीं आएगा. हम लोग तो पागल हो जाएंगे इतना पेन में. लेकिन इतना पेन में भी दैट इंटेलिजेंस ही हैड टू रैप द उत्तरीय इन दैट नेक सो दैट द ब्लीडिंग इज लिटिल लेस. सो कैन यू इमेजिन, दिस इज वन एग्जांपल. श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स लोग सोचिए कितना कुछ किया है. 2008 में उनका हार्ट अटैक भी आया. 2008 के ब्रेन, यू नो, नॉट हार्ट अटैक, यू नो, ब्रेन स्ट्रोक. सभी डॉक्टर बोल दिया कि यू नो कोई चांस नहीं है. मुंबई का डॉक्टर बोल, जिस हॉस्पिटल में भर्ती था, बोल दिया कि कोई चांस नहीं जीने का, और लेस देन नॉट इवन 1% चांस इज देयर फॉर हिम टू लिव इन दिस प्लैनेट. बट ही इज लिविंग. और उसके बाद से जितना प्रीचिंग किया तो वो पहले से भी ज्यादा हो. Being in wheelchair, being in a paralyzed in a condition. So proper disciples. You see, Gopal Krishna Maharaj, you see, he is building so many temples in Delhi. So many temples are there in Delhi. You see, disciples of Prabhupada, Bhakti Charu Maharaj, who recently passed away in the Corona time. During coronavirus time, he went to America to preach Krishna consciousness. So just imagine, they are not selfish people. They want to spread this Krishna consciousness movement. So all of us Indians, it is the responsibility of the Indians is to spread this Krishna consciousness all over the world. Srila Prabhupada ji bola tha, ये दुनिया क्यों सफर कर रहा है? Why the world is suffering? Due to the Indians. Indians लोग अपना जीवन को सार्थक नहीं कर रहा है, खुद भक्ति नहीं कर रहा है, और दुनिया को भक्ति का प्रचार नहीं कर रहा है. इसलिए दुनिया सफर कर रहा है, इतना कष्ट पड़ रहा है दुनिया का लोग. सो भारतीय होने का नाते, हाँ, भारतीय लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जन्म सार्थक करे करो परो उपकार. अपना जन्म सार्थक करके परो उपकार करने,
to practice Krishna consciousness in his own life and preach this Krishna consciousness to others. अपना जीवन में भक्ति का प्रैक्टिस करना और दूसरे को देना. So all of you can make your friends, you can bring your friends to devotional service. अपना दोस्त लोगों को जहां से भी मिले, कॉलेज का दोस्त, घर का दोस्त, अपना मम्मी पापा को, उसके बाद कोई भी relatives, friends, you know, whoever you are acquainted with, someone you see, किसी को देखता है कि उसमें कुछ भक्ति का स्पार्क है, तो उसको उसको आप इस्कॉन से कनेक्ट करवाइए, भक्तों का संघ से कनेक्ट करवाइए. तो ये प्रीचिंग, ये प्रीचिंग मूड को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का मूड है. ये चैतन्य महाप्रभु यही बोला, भारत भूमि तो हईल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी करो करो उपकार. सो वन शुड फुलफिल, one should make his life successful and make others life successful. That is actually the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So I will share just one PPT. I will share. इससे मैं कुछ बोलने का प्लान किया था. तो all of you are able to see the PPT. Yes, Prabhu. Okay. So yes, Prabhu. Yes. तो जन्म सार्थक करी करो परो उपकार. तो अपना जन्म भी सार्थक करना है और दूसरे को भी, ये जितना हो पाए, जितना एंडिवर करके कृष्णा कॉन्शियसनेस का, भक्ति का ये देना है दूसरे को, दूसरे लोग के लिए भी. तो जन्म सार्थक करी, इसका एक मेन जो पॉइंट है वो है कि कैसे हम लोग ये हियरिंग और चैंटिंग को डेली हम लोग मेंटेन रख पाए. इसके लिए ये मॉर्निंग टाइम बहुत एसेंशियल है. तो इस स्लाइड में आई मेड दिस स्लाइड फॉर showing the importance of morning program. So what are the advantages of getting up early in the morning, and what benediction this morning time can give you, it can be seen for this slide. So first point is increasing productivity. Increasing productivity. Rising early gives us a distraction-free environment so that we can prepare for the day very nicely. तो सुबह का time पे distraction-free environment रहता है. Environment में distraction ज़्यादा नहीं रहता है. लोगों का जो हलचल है उतना नहीं रहता है. Mode of goodness is there in the morning time. If we are waking up at 9 a.m., if we are waking up at 8 a.m. in the morning. सुबह उठ के कितना उतना अच्छा नहीं लगता है. The some good amount of time is already gone in the morning. So, you know, sleeping very late in the night at 2 a.m. And then waking up at 9 a.m. This has become generally the habit of, you know, people in general. But this is not suitable for spiritual advancement. So rising early gives us a distraction-free environment so that we can prepare for the day very nicely. When our chanting is done, most of the rounds are complete in the morning time. Someone who is chanting 16 rounds, if he chants 10 to 12 rounds in the morning, he will get that strength which will be there for the whole day. Someone is chanting 4 rounds, so he can complete those 4 rounds in the morning time. Second point is, develop self-discipline. The less we feed the laziness of our mind, the more it gets controlled. Generally, what happens? क्या होता है कि सुबह में उठने का मन नहीं करता. क्यों इतना जल्दी सुबह में सोने जाओ? सुबह में क्यों उठ जाओ? इतना अच्छा लगता है सोने में सुबह में. Any activity we do in the morning time, वो बहुत अच्छा लगता है. सोना भी अच्छा लगेगा. कोई morning time में अगर spiritual activity करेगा, वो भी अच्छा लगेगा. कोई भी एक्टिविटी कंसंट्रेशन से होता है मॉर्निंग टाइम में.
That is the advantage. It's the ideal time for meditation. That means chanting Hare Krishna. It's the best time to concentrate the mind on the Hare Krishna Mahamantra, because mode of goodness prevails in this time. There are three modes: Sattva Gun, Raja Gun, or Tamo Gun. Teen Gun hota hai. So Sattva Gun prevail karta hai is time. Or third point is that in the morning program we perform various limbs of devotional service, which gives us immense spiritual strength. So all of you right now, you are in your home. Abhi aap log ghar pe hai. Tulsi Maharani rakh sakte hai ghar mein. Ghar mein jab Tulsi Maharani ko water kar sakte hai, pani de sakte hai. It is a very important limb of devotional service. Tulsi mein pani dalna. It's very big service. Tulsi Devi is not an ordinary plant. Bhagwan ka bhakt hai. Aur agar hum log Tulsi Maharani ko pani dete hai, Tulsi ka production karte hai, to bahut effect hota hai uska. To hum log ka bhakti usse vriddhi paata hai. Because Bhagwan ka bhakto ka seva hum log karenge, Tulsi Maharani is devotee of Krishna, then we automatically, our devotion increases very much. Another slide I wanted to show you. It's coming. This slide. So this is about cleanliness. So cleanliness, these are the parameters of cleanliness. What are these parameters? Cleanliness of the body, keeping the body clean and environment in the surroundings clean. This is an essential aspect of our devotional life also. Cleanliness of the speech. Bhagavad Gita tells about the cleanliness of speech. Anudvega karam vakyam satyam hitam satyam priya hitam chayat swadhyaya prayasanam chaiva vanmayam tapa uchyate. तो हम लोग का स्पीच क्या होना चाहिए, जो हम लोग बोल रहे हो शास्त्र से होना चाहिए. From the scriptures, गुरु परंपरा का वाणी हम लोग को बोलना चाहिए. ऐसे कुछ मनगढ़ंत चीजें नहीं बताना चाहिए. जो शास्त्र बोल रहा है, जो गुरु परंपरा बोल रहा है, उसको रिपीट करना चाहिए हम लोग. एंड थर्ड इज द क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस. माइंड इफ इट इज थिंकिंग अबाउट डिफरेंट रॉन्ग थिंग्स, सेंस ग्रेटिफिकेशन थिंग्स, देन माइंड विल बी डिस्टर्ब, इंटेलिजेंस विल बी पॉल्यूटेड. So we have to see that our mind is thinking about Krishna, or our mind is engaged in some activity which we are doing for the pleasure of Krishna. Our mind should not be thinking about sense gratification. Indriya tripti ke bare mein nahi sochna chahiye. Bhagwan ke bare mein aur Bhagwan ke seva ke bare mein. Padhai likhai bhi Bhagwan ka hi seva hai. Bhagwan ke liye karte hain. To wo theek hai, padhai likhai ka time pe acche se concentratedly कीजिए, इंटेलिजेंस की यूज कीजिए. और जब शिला प्रभुपाद का बुक्स पढ़ रहे, रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स इज इट इज लाइक अप्लाइंग योर इंटेलिजेंस इन द सर्विस ऑफ कृष्ण. बिकॉज इन ए रीडिंग, इन ए बुक रीडिंग, वी आर लर्निंग थ्रू इंटेलिजेंस, बट वी आर लर्निंग अबाउट डिवोशनल सर्विस. भगवान का भक्ति के बारे में पढ़ रहे प्रभुपाद जी का बुक्स. So that is engaging our mind and intelligence in a proper way. And cleanliness of the heart, which is the most important one, that can be simply done by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. The Hare Krishna Mahamantra chanting, it cleanses our heart. And therefore, it is all over the world people are getting attracted towards this, because it is a tried and tested method given by Krishna himself, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. It cleanses the mirror of the heart from all the contaminations. So
So this in the morning time, if you utilize the morning time, then it is most beneficial. So, लेकिन किस चीज के बारे में हम लोग को generally why we are not getting up in the morning? क्यों हम लोग सुबह में नहीं उठ पाते? Because we are not sleeping in the night in the proper time. रात में हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग जल्दी सो नहीं पा रहे. रात में लेट से सो रहा है तो क्या होगा? लेट से तो उठेगा ही ना. और रात में किस चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन होता है? डिस्ट्रैक्शन हैपेंस ड्यू टू मोबाइल एंड डिस्ट्रैक्शन हैपेंस ड्यू टू वेरियस यू नो सेक्सुअल थॉट्स व्हिच कम्स इन द माइंड इन द नाइट टाइम व्हेन वन गोज टू बेड. You know, I have been mentoring, you know, I'm jitne bhi youth se aaj 5-6 saal se, 6-7 saal se, you know, from my experience, I'm telling so many youths, wo log, wo mere ko, jo log, you know, maybe seniors also, means, you know, jo log naukri kar raha hai, so many times they share and the experience with me that, and this is also a fact. जब कोई रात में सोने जाता है तब यू नो सेक्सुअल थॉट्स आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम एंड द माइंड इज गिविंग लॉट ऑफ सजेशंस. यू कैन वॉच सेक्सुअल वीडियोस एंड बाय दैट व्हाट हैपेंस बाय वॉचिंग यू नो सेक्सुअल कंटेंट व्हाट हैपेंस सीमेन इज लॉस्ट एंड बाय रेगुलरली यू नो लूजिंग सीमेन दिस स्लाइड यू नो this showing you know this gives a scientific explanation how semen is generated. There's a very Rig Veda is telling a very vital verse, maranam bindu patanat jivanam bindu rakshanat. So how semen is generated? So first we take food, the food is then converted into chyle, and from chyle it gets converted into blood, and then from blood it makes the flesh, from flesh it makes the fat, from fat it makes the bones, and from bones it makes the bone marrow, and from bone marrow it makes semen. मरणम बिंदु पतनम जीवनम बिंदु रक्षणा. इफ वी रिटेन आवर सीमेन देन देर आर सो मेनी एडवांटेजेस. आई विल गो टू दैट स्लाइड. व्हाट आर द एडवांटेजेस? अदरवाइज मरणम बिंदु पतनम, इफ वी रिलीज इट देन आवर डेथ इज एनहांस्ड. आवर डेथ कम्स फास्टर. सो दिस इज very essential substance of our body. 40 drops of blood produce one drop of semen. So when one is losing the most vital element of the body, it is the essence of the body. The Ayurveda tells in the Ayurvedic way, this is the Ayurvedic way of how semen is generated. From food, it is called rasa. Rasa se utpanna hota hai rakta, blood. Blood se mangsa, flesh, then med. The same thing, bone marrow, asti se majja, bone marrow, and finally shukra. So what happens when we retain the semen? First is our purity increases. Srila Prabhupada bola hai, purity is the force. Books are the basis, purity is the force. Preaching is the essence. So purity, hum log purity chala jata hai. लोग गंदा चीज जब देखते हैं, स्पेशली व्हेन वन सीज द नेकेड फॉर्म ऑफ वुमेन, आवर प्यूरिटी इज लॉस्ट. द प्यूरिटी ऑफ आवर विजन इज लॉस्ट. इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द डेमोनिक पीपल टू सी द नेकेड फॉर्म ऑफ वुमेन. द पांडवस जब कौरवस भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी को नंगा देखना चाह रहा था. This is the nature of demons to see a naked woman.
women naked. So that is very derogatory for our spiritual life. तो अगर सीमेन को हम लोग रिटेन करेंगे तो विजडम बढ़ता है. विजडम यू कैन अंडरस्टैंड विजडम वैदिक विजडम. हार्ट इज पीस ऑफ माइंड, मन का शांति. समवन लूजेस सीमेन व्हाट हैपेंस, ही बिकम्स रेस्टलेस, हिज हार्ट बीट इंक्रीजेस, हिज माइंड पीस इज लॉस्ट, ही फील्स इनसिक्योर. Fourth is vichar shakti. Vichar shakti means discriminating power. What is right and what is wrong? He can easily determine. If he is retaining semen, he can easily see what is right, what is wrong. Otherwise, he will not. उसका बुद्धि काम नहीं करेगा. कौन सा काम सही है, कौन सा गलत काम करना नहीं चाहिए. You know, someone who is regularly losing semen, उसका विचार शक्ति चला जाता है. सही चीज क्या है उसको is indifferent to it. Galat kaam kar raha is indifferent to it. Vichar shakti nahi hai. So, for fifth one is dharana shakti. This is very essential. Dharana shakti means retaining the knowledge. Dharana. Whatever memory power. Dharana shakti. Memory power increases. Pichle zamane ka log dwapar yug mein सत्ययुग में वेद को लिखने का जरूरत नहीं पड़ा. वेद व श्रुति, पूरा वेद को गुरु ने बोला शिष्य को पूरा एकदम माथा में पूरा इज देयर इन दिस माइंड एंटायर वेदास ही कैन स्पीक. लैक्स ऑफ वर्सेस आर देयर इन द एंटायर वेदास. बट कलयुग में लिखना पड़ा वेद व्यास जी को. क्यों? बिकॉज will not have that memory power because of losing the semen. Dharana shakti chala jata hai. Vivek shakti. Vivek means Vivek shakti or vichar shakti, you know, it looks close. Similar dikhta hai. Lekin Vivek matlab vichar is what is good thing and what is bad thing. Vichar. And Vivek means sensitivity. Yeah? You know, when people in today's day, वो क्या करता है, कोई इज वेरी दे आर किलिंग एनिमल्स, राइट, दे किलिंग एनिमल्स. विवेक शक्ति नहीं है. मर्सी जो दया है, गाय को भी मार दे रहा है. गाय माता है, दूध देता है, माता है, लेकिन दिख नहीं रहा है लोगों को. विवेक शक्ति नहीं है उसको भी, मतलब माँ को हत्या कर दे रहा है. गाय काउ इज आवर मदर. विवेक शक्ति इज लॉस्ट. And finally, self-confidence is lost. Another thing is that, the last one is most important. Self-confidence chala jata hai. If we lose semen, if we retain semen, our self-confidence increases and natural confidence increases. And finally, determination. Humko bhakti karne ka man nahi lag raha hai. Determination nahi lag raha hai mereko. चैंटिंग इंक्रीज करने का डिटर्मिनेशन नहीं लग रहा है. डिटर्मिनेशन कैसे लगेगा, ये तो साइंस है. तो इफ यू आर नॉट रिटेनिंग द सीमेन, डिटर्मिनेशन विल डिक्रीज. वो डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू आर नॉट मेंटेनिंग योर प्यूरिटी, इसलिए डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा है. और प्यूरिटी को मेंटेन करेंगे डिटर्मिनेशन आएगा. तो इसको मेंटेन करने का एक ही उपाय है, टू नाइसली रीड प्रॉपर बुक्स. कृष्ण के बारे में चिंतन करना, कृष्ण का चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र, उसके बाद प्रॉपर का बुक्स पढ़ना. इससे माइंड को अगर कृष्ण के तरफ एंगेज करेंगे तभी जाके माइंड कैन बी फ्री फ्रॉम सेक्सुअल थॉट्स. अदरवाइज देर इज नो अदर वे. देर इज नो अदर वे एट ऑल. Only by Krishna consciousness we can be free from illicit sex desire. See, we can all marry, there is no problem. Marriage is completely allowed. In our ISKCON movement, 95% are grihasthas only. Only 5% are brahmacharis who are not planning to marry. Only 5%. 95% are grihasthas. One can marry. It's not that
I'm telling that no one of you can marry. You have to sex life. What is to be given up? Illicit sex life. What is illicit sex and what is licit sex? What is the difference? After marriage, in order to produce good children, if one does sex with one's wife, then it is according to scriptures. Then one can do, no problem. To produce Krishna conscious child, if one does sex with one's bona fide wife, then that is according to the scripture. There is no problem about that. But what is illicit sex? For example, one is nowadays, one man is looking for, he has got married, but he is looking for other women also, polluting other women also. Dusre ladkiyon ko, dusre mata ji ko pollute kar raha. That is illicit sex. That is dangerous. And in the student life, this tendency of, masturbation, this is also illicit sex. Watching pornography and doing masturbation, this also comes under illicit sex. So that should not be. One can marry, and that training is there. That grihastha training is there. One who wants to remain brahmachari, one who completely wants to give up sex life and lead a free life, free from family responsibilities, and then preaching Krishna consciousness, just like what I'm trying to do after joining in ISKCON movement. So okay, that one can do, but that is one's own choice. Somebody wants, okay, no, I'll become a grihastha, no problem. I will marry a wife, and together with my wife, I can do Krishna consciousness. That is also allowed, no problem. But illicit sex is not good. One can marry, and in order to produce Krishna conscious child, one can do sex. That is allowed. But illicit sex is not good at all. It is dangerous for a spiritual life. So there are all these disadvantages will be there when one loses semen, and one's determination in spiritual life will decrease. So sex, which is according to the scriptures, it is completely bona fide. But sex which is not according to the scriptures, that is called as illicit sex. Isliye Vedic society mein 5 से 25 साल तक ट्रेनिंग दिया जाता था. 20 साल का ट्रेनिंग सोचिए. 5 years all the children, the children of all the like the brahmanas children, the children of the kings, the children of the vaishyas. उसका जो लड़का है, लड़का लोगों को ब्रह्मचारी आश्रम में भेजा जाता था, गुरुकुल में भेजा जाता था. गुरुकुल ट्रेनिंग था उस टाइम. 5 years to 25 years, ये ट्रेनिंग किस चीज पे दिया जाता था? In order to the ब्रह्मचर्य के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता था. Knowing that one should not indulge in illicit sexual affairs with women, this training was given, and they used to retain their semen for all these 20 years. और उसके बाद 25 years में जब आया, तब उन लोगों के पास choice होता था. ठीक है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में कंटिन्यू कर सकते, लाइफ लॉन्ग नेस्टिक ब्रह्मचारी बन सकता है. लाइफ लॉन्ग ही कैन बिकम ब्रह्मचारी एंड देन इवेंचुअली टेकिंग संन्यास. और समवन वांट्स टू मैरी, देन ही इज अलाउड टू गो होम एंड देन मैरी. और जब वो विवाह करता था, उसके बाद तब वो क्या होता है, तब वो उसके सेंसेस अनकंट्रोल्ड नहीं रहते. He will do sex with his wife only to produce good children, Krishna conscious children, and they will be regulated life. Wo training, wo 20 saal ka training, that was so essential. Lekin Kaliyug mein wo 20 saal ka jo training wo nahi hai na, isliye itna problem hai Kaliyug mein. Everyone is encouraged to indulge freely and do sex freely. That should not be done. Then it is dangerous. That is spoiling the whole society. Marriage is okay. Marriage is a Vedic process.
That should be, that is always there. But the initial training of brahmacharya, gurukul training, is must. So that is why, you know, this International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, is trying to, you know, introduce this Vedic Varnashram system again into the society. And gradually it is coming, slowly, slowly it is happening. So the married couples, they are practicing Krishna consciousness nicely, and those who are in the renounced order, renunciates, they are also trying to practice Krishna consciousness. But the essential thing is that mind should be engaged in thoughts of Krishna. Then only one will be able to remain aloof from the thoughts of sex. तो यही एकमात्र फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला को यही टेक्निक को वैदिक समाज में गुरुकुल ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अभी वो ट्रेनिंग नहीं है इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है समाज में द सोसाइटी इज गेटिंग पॉल्यूटेड इन सो मेनी वेज बट ISKCON इज ट्राइंग टू अगेन ब्रिंग बैक द वर्णाश्रम सिस्टम into the world, and slowly it is happening. So I will end here. I will now take question and answers for 10 minutes. So Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now the forum is open for any type of question. Lot of things, you know, I try to cover essential things. So yes, any questions? Any questions? Krishna Prabhu, to ask. Yes, I'm stopping the recording.